हम लौंडे को चैलेंज करेंगे, कंटेंट भले ही ना बने देखा जाएगा जो भी है। मैं स्ट्रीमर को बोलता हूँ जो आपको नो बोलना है मेरे को उसके साथ 1v1 करना है, अगर जीतता है वो तो मैं उसको पेमेंट करूंगा। अरे सुनो ना हेडो जी, तुम्हारे साथ 1v1 करने के लिए बोल रहे हो भाई, पैसे मेरे को दो तब करूंगा। हाँ तो मैं दूंगी ना, शोर देख रहे हो खुश हो रही मुझसे करना उसको। हाँ उन्होंने बोला तुझे नूब बोला इसलिए मुझे उसके साथ वनिंग करना। मैं बोलता हूँ रूम बना लो मैम। रूम बनाओ मैम। हाँ हाँ अरे रूम बना रही हूँ आ जाओ ठीक है। किसके साथ कर रहे हो? मेरे साथ? हाँ तुम्हारे साथ जी। आपके साथ आ जाओ भाई आ जाओ करीब। गेम स्टार्ट होने से पहले मैं लौंडे का केडी वेडी चेक कर लेता हूँ। केडी तो इसका ज्यादा होना चाहिए तभी जाके ये नूब वगैरह बोल रही है अपने टीममेट को। केडी है लौंडे का 7.5-8 की केडी है ठीक है। चलो जो भी है यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका था, अभी देखो क्या होता है। अच्छे से खेलो भाग, मरेगा भाई ये बंदा। लो है भाई, मस्त मार रहे हो। मैं तुझे नहीं मारेंगे। मैं बहुत सारे स्ट्रीमर के साथ खेलूं पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि स्ट्रीमर ही अच्छे खेलते और नॉर्मल प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाते। बहुत ही तगड़े तरीके से खेल रहा था और साथ ही अगर गेम प्ले स्टाइल को नोट करो तो काफी बार वो होल्ड स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर रहा था। पूरी तरीके से गेम तो नहीं बोल सकते पर हाँ होल्ड स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा था जिसके चलते बार बार मेरे को पुश करना पड़ रहा था और मैं बहुत सारा पॉइंट भी यहाँ पे बैक टू बैक गंवाने लग जाता। अरे नाइस 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 ये बात। भाई उसने वो अच्छा खेल रहा है, सीरियसली अच्छा खेल रहा है। कब तक तू लेगी आईडिया अरुण? अच्छा खेल रहा है वो। यहाँ तक स्ट्रीमर मेरे को तारीफ तो कर रही थी पर यहाँ पे कुछ गलती मैं ऐसे कर बैठता हूँ जिसके चलते ओपोनेंट का स्कोर बढ़ता है और धीरे धीरे करके मेरे ऊपर प्रेशर आने लग जाता है। पर बात डीआरवी के एंटरटेनमेंट की थी, मैं पीछे कैसे हट सकता? डी मोड जल्दी से एक्टिवेट किया गया, साथ ही बैन का तैयारी भी चल रहा था। Nice, that's a lot of...
किसी हाँ संदीप, हाँ मैं तो बस सपोर्ट कर, हाँ संदीप बोलिए बोलिए। सीधा जाओ स्नैक्स दे भाई, कुछ ना कुछ लेके आती हूँ दुकान से, बिना उसके तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है। कौन से दोस्त का नंबर दे रही है, टिप्सी मेरा नंबर मांग रहे हैं, मेरे को भी कोई जैसे तैसे करके अपने केटीएम के ऊपर झंडा काट दिया है। पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि 5 दिन में 10 दिन में कभी भी गेम खेल लिया, एक बार में कंटेंट बनाने बैठ गया, तो अगर पहले जैसा मैं गेम खेलता ये गेम में और मजा आता। पर जो भी हो, तगड़ा प्लेयर था, पैन मार के हमने कर दिया हमारा काम, हमारा काम बन गया। फिर क्या था, उनके चैनल पे चलता है। हाँ पैन किया, नाइस नाइस पैन मारा जॉर्ड भाई, बहुत अच्छा खेला है मैंने। पैन का इतना डैमेज होता है, संदीप की गाय 70 नहीं लाइक जोमैटो ने आग लगा दी भाई, आग आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अच्छा खेला भाई उसने, बहुत अच्छा खेला। फिर क्या था, मैं अपने ऑफिशियल आईडी से आगे बोल देता हूँ, आज के बाद आपको कोई नोब नहीं बोले। अरे 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 सॉरी खेलो, आज के बाद नोब नहीं बोलेगा मेरे को, वीडियो आएगी हाँ है। ओ, देखते हैं बोलते कि नहीं सॉरी मेरे को कोई नोब, ना ना कोई नहीं बोलेगा, बोल दो रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच मेरे स्ट्रीम पे आने के लिए, थैंक्स, वेलकम वेलकम बोला था वो कैसे स्ट्रीमर और उसके टिम्बेट का थोड़ा सा बहस वगैरह हो जाता है कि मेरे को क्यों करवाया ऐसे ओबिक के साथ 1v1 खुद कर लेते। तू स्ट्रीमर है ना, तू करवा अपनी बेइज्जती, मैं क्यों करूं। हेलो मैं इसका, तुमको अच्छा खेलना चाहिए था, उसे मेरी क्या गलती है, तो तुम अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हो। राइट पॉइंट है इस बात में, बोला नूब नहीं बोल रहा, नूब नहीं बोल रहा। पैन जिस तरीके से मारा ना, वो देख के समझ में आ गया कि वो सॉविक डी ही है। तुम्हें अब पता चल गया वो सॉविक डी है। अरे मैंने तो स्टार्टिंग में वो जोमेटो वाली आईडी से आए थे ना, मैं समझ गया क्योंकि वो पहले भी वीडियो में देखा है मैंने। पैन जिस तरीके से पड़ा है ना, वो सिमरिया पे हैप्पी हैप्पी हो चुकी थी और हमारा काम बन चुका था, और मेटाडाटा बाय बाय करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर उनके टीममेट्स के बीच कुछ डिस्कशन हो रहा था, कैडा वाला अब सुन भाई, जो भी बोल बट जो मेरे पे गोलियां चिपक ली थी ना भाई, वो अलग लेवल थी। तुम वो चीज अगर देख देते ना, तुम पागल हो जाते कि ऐसे कैसे चिपक रही है। भाई मैंने पहले वाले उसमें देखा ना, गोलियां बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मेरे पे ऐसे चिपकी ना, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं मरा कब, मैं गोली चलाने से पहले मर गया ऐसा लगा मुझे। मुझे वही गट फीलिंग आ रही थी कि अब मैसेज, मैं टिप्सी को बोला कि मैं आ रहा हूँ, मैं फिर वेट किया, मैं बोला एक बार मैसेज आने दो सोविक डी का, मैं कंफर्म हो जाऊँ उसके बाद में आता हूँ, और वो हुआ। वीडियो उसकी वीडियो में रेगुलर देखता हूँ, तो उनकी वीडियो में समझ में आ गया था जिस तरीके से मारा था। मैं तब देखता था, मैं तब से देखता हूँ ना, कितने टाइम से देख रहा हूँ उसको, जब वो क्लोज एनकाउंटर कर रहा था, मतलब करा था उसने जब पहली बार, तब मैं भी उसको कितना टाइम हो गया उसको फॉलो करते करते, और अभी बुलाना किसी को, वीडियो आ जाए मैं देखेगा, मैं ये वीडियो 4 बार देखेगा मैं, ताकि मैं भी देखूंगी भाई। कोई भी स्ट्रीमर लाइव में बैठ के इतना टाइम मेहनत कर रही है तो वो थोड़ा सा रेस्पेक्ट डिजर्व करती है। आई नो आप अच्छे दोस्त हो सकते हो, एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हो, लाइव में मत बोलो, लाइव में बोलने से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है। मेरे को लास्ट याद है उसके दोस्तों ने इतना ज्यादा उसको फोर्स किया कि वो बंदा स्टार्टिंग में हार रहा था, उसके दोस्तों ने इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया कि वो बंदा मेरे को लगभग टक्कर दे दिया भाई गेम में। इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, बाकी का ध्यान रखियो, बड़े भाई की रिस्पेक्ट इज मोर देन इंपॉर्टेंट देन यू। फिर
फ्रेंडशिप ऑन द टॉप होना चाहिए एटलीस्ट स्ट्रीम में, जहां पे स्ट्रीमर को सही में मोटिवेशन चाहिए होता है, वो लड़का हो लड़की हो, वहां पे थोड़ा सा मजे कम लिया करो ताकि स्ट्रीमर को मोटिवेशन मिले। और यही था छोटा सा मैसेज ये वीडियो के थ्रू, और वीडियो के थ्रू मैसेज मिलता रहे। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी अच्छी चीजें देखो, मजे लो और चैनल को सपोर्ट कर दो ताकि मिलियन करे। आप चाहोगे होगा, नहीं चाहोगे नहीं होगा, जो भी आपके हाथों में है। मेरे हाथों में वीडियो था, मैंने डाल दिया। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल बी बैक विद अ वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल।